हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? और आज है आज आज कुछ नहीं है, बस आज मतलब मैं नहा धो के आ गई हूँ और आप लोगों से बातें करने, और आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल दिखाने वाली हूँ कि मतलब शादी से पहले तो मेरे पास बहुत सारे रहते थे, मतलब हर टाइप्स के रहते थे। अभी ज़्यादा मतलब जैसे मेरे पास ज़्यादा, मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ तो ज़्यादा ज़रूरी भी मैं नहीं समझती हूँ, और जैसे पास में जाना ही हुआ, पास में मार्केट है तो जैसे तो मैं लेकर भी नहीं जाती हूँ। और बात मैं किस चीज़ की कर रही हूँ आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन शो करते रहें। तो ये मैंने आज ड्रेस पहना, ये मेरे पास वाले मार्केट का है, और इस ड्रेस में कुछ और था, मतलब मैं कभी इसको पहनी नहीं तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी इसमें क्या था और मैंने क्या चेंज किया, और मतलब मेरे हस्बैंड जी को पता चल जाएगा, और जो जो ये ड्रेस मुझे पहनते हुए पहले एक बार देखा था उनको भी समझ में आ जाएगा इसमें मैंने क्या चेंजेस किया है। तो आज का ये है टॉपिक, मैं आप सभी को ना अपना बैग कलेक्शन दिखाने वाली हूँ और मेरे पास कितने सारे हैं, ज़्यादा ज़्यादा है नहीं लेकिन हाँ जितना है बहुत है वो। और मैं ना कल गई थी लेने तो मेरे हस्बैंड जी बोले अभी तो इतने सारे तुम्हारे पास हैं पहले उसको तो यूज़ कर लो, तो मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे, पहले दूर से दिखा रही हूँ फिर एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। ये सब मतलब इसमें से मैं कम ही अब यूज़ करती हूँ, मैं पास में ले आती हूँ। तो मैं जस्ट अभी थोड़ा टाइम हुआ नहा के आई हूँ तो इसलिए मेरे बाल थोड़े गीले थे, इसलिए मैं अभी पैक हूँ, थोड़ा कैमरा दूर हो जा रहा है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं शादी वाले टाइम से, मतलब मैं जब शादी में आई थी ना तब मैं लेकर आई थी। आप सभी को पता है मेरी शादी लॉकडाउन में हुआ था, तो ये मिरर थोड़ा सा आप भी सोचते होंगे ना कि मतलब ब्लॉगिंग जब करती है तो जिस टॉपिक पे ये बात करती है ये इसका अलग ही ट्रैक घूम जाता है, तो लेकिन ना बीच बीच में मुझे जो दिक्कतें लगती है मैं उसको भी शेयर करती हूँ, नेचुरल है। और मैं ये फुल ड्रेस आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रील्स बनाती हूँ। ये मेरा ड्रेस है, और ये मैं अपने बेटी का बेल्ट लगाई हूँ उसको बहुत लूज आ रहा था, बहुत लूज आ रहा था तो मैंने उसका बेल्ट यहाँ पे लगा लिया है, और ये ड्रेस से काफ़ी मैच भी कर रहा है। और सो अब स्टार्ट करते हैं पीक पॉइंट, मतलब ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे कर रहे हैं, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे बट यार ना आप लोग ना, आप लोगों से मैं अगेन एक बार और बोल दे रही हूँ, आप लोग ना चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइबर के लिए ना मैं बहुत आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि बहुत ज़रूरत है, इस टाइम बहुत कम हो गए। और इंस्टा पेज की आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए, और फेसबुक पेज भी मैं फॉलो मतलब इसमें मेंशन कर दूंगी आईडी। शादी से स्टार्ट करते हैं, ये है हमारे शादी के टाइम का, इतना पुराना हो गया, लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये बस्ती से लिया था रवि वाले के यहाँ से, ये काफ़ी खूबसूरत था, बहुत प्यारा कलर पीच कलर, और इसमें ये एक स्टार दे रखा हुआ है सो पीस में, और इसके लिए ना एक लॉन्ग वाला भी दे रखा था तो मैंने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, और ये पर्स मैं बहुत कम ही बार ले गई हूँ, एक से दो बार बस, वो भी अपने घर मतलब ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, और अगेन मैं कहीं ये पर्स नहीं लेकर गई हूँ, और इसमें भी बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत, और ये ना काफ़ी महंगा भी मुझे रिसीव हुआ था, मतलब ली थी मैं उस टाइम के, ये शायद 2500 से 2600 का था, मेरे लिए तो महंगा है, मतलब जो मिडिल क्लास से हैं अगर मतलब उनके लिए तो ये बहुत महंगा, मेरे लिए महंगा ही है, और जैसे कि और हाई क्लास के जो होंगे वो 1000 4000 5000 और क्या, मतलब तभी मैं अभी कम ही बोल रही हूँ,
लाख दो लाख का सब पहन लेते हैं। एक डीओआर का आता है और एक डायना का आता है, वो सब कितने मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो उस टाइम में ना मेरे लिए यही ब्रांड था, क्योंकि लॉकडाउन टाइम में जो मिल जा रहा था वही बहुत है। तो बट ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था और थोड़ा यूनिक था, मेरे मतलब पूरे लुक में ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था। ब्राइट, मैं मतलब मेरे घर में सब लोग बोल रहे थे रेड कलर क्यों नहीं ली, लेकिन मुझे पीच कलर थोड़ा अलग सा लगा, रेड तो सभी लेते हैं। तो स्टार्ट तो यहाँ से हो गया शादी वाले पर्स से, और इसमें अभी सामान भरे पड़े हुए तो इसको मैं दिखा नहीं सकती, और अभी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। एंड सेकेंड दिखाती हूँ मैं, एंड ये मेरे शादी से पहले का पर्स है जो मैं इसको ले आई थी। ये मेरा लकी पर्स रहता था, अभी भी है। इसमें मेरे पास मतलब हमेशा पैसे भरे पड़े रहते थे, तो ये तो थोड़ा डैमेज भी हो गया, बट इसको मैं अपने से दूर नहीं कर रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे में, मेरी दीदी अन्नू दी, और उसने बहुत सारे पर्स मुझे दिए थे वो, फिर लेकिन ना जैसे होता है ना यूज़ करते करते ख़राब हो गया था, तो मैं उसको अपने घर पे ही छोड़ दी हूँ, ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये मेरा लकी पर्स हुआ करता था, इसलिए मैंने अपने पास इसको रखा हुआ है अभी तक इतने दिनों से, और इसको अपने अपने से कभी नहीं दूर कर सकती मैं, और ये बैग कलेक्शन में हमेशा मेरे पास ही रहेगा जब तक मेरे से हो पाएगा। एंड मैं दिखा रही हूँ, और ये भी मेरे मायके के साइड का ही पर्स है, एक क्लच है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मैं शादी के बाद ही वहाँ से ली हूँ, और इसमें ना मोतियाँ लगी हुई हैं, देख लीजिए पास से, एकदम पास से देख लीजिए, इसमें ना ऐसे ना मतलब कुछ अलग से नहीं, स्पार्कल, इसका स्पार्कल वाला भी आता है, एक इसका कॉपी वाला। तो इस मीशो में और बहुत जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ये मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं 3 से 4 साल पहले, मैं शादी के टाइम, मेरी शादी 4 साल होने वाली है, और नेक्स्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी भी है, तो देखो क्या होता है फिर, मतलब कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस घर में ही हो जाता है, जो हो पाता है मंदिर वंदिर चले जाते हैं। और ये देखो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये पार्टी वेयर है, इसको नाइट में अगर आप यूज़ करते हो ना साड़ियों पे या सूट पे पार्टी वेयर में, तो बहुत अच्छा लगता है। ये क्लच मेरा मुझे फेवरेट है, और इसका एक लॉन्ग वाला चेन था तो टूट गया है, इसी के अंदर मैंने रखा हुआ है। और फिर उसके बाद मेरी बेटी हो गई, तो बच्चे होने के बाद तो मोस्टली आपको क्लच और छोटे पर्स बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आने वाले, तो फिर मैंने इतना बड़ा पर्स मैंने कैरी किया। और ये ग्रीन कलर का बैग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अभी भी मतलब ऐसे है ना कि आप इसको कहीं भी रख सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो, इसमें बहुत सारे सामान यूज के आपके आ सकते हैं, 2 सेट कपड़े आ सकते हैं, आपके बेबी के कपड़े, आपके बेबी के जो भी आप रोज़ाना सामान यूज करते हो, 2 से 3 दिन का आपका इसमें आराम से सामान आ जाएगा। तो ये उस टाइम मैंने लिया था, ये मैंने लिया था सरोजनी मार्केट से, मैं गई थी दिल्ली तो वहाँ से मैंने ये बाय किया था, और काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और मतलब जो मम्मा होंगी, मतलब न्यू बॉर्न जैसे बेबी होते हैं, अगर उनको ट्रैवल करना हो तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये बैग, आप बाय कर सकते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, आसानी से मिल जाता है। और ये मेरे डियर हस्बैंड जी ग्रीन कलर का, मतलब ये थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि ऐसे कपड़ों के साथ है, ऐसे दबा हुआ था, मतलब मेरी अलमारी जो है, मेरा कबर्ड जो है उसमें ना जगह नहीं है मेरे पर्स के लिए, तो मैं सोच रही हूँ ना कुछ अलग सा करने के लिए अपने यहाँ पे बेड साइड के पास, या यहाँ जो मैंने बेड लगा रखा हुआ है वहाँ पे मैं सोच रही हूँ एक ऑनलाइन एक टेबल जो ड्रॉअर वाले होते हैं तो उसमें ये अपने पर्स वर्स रखूँगी अच्छे से। तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन अभी एकदम न्यू है, मैंने ज़्यादा इसको यूज़ भी नहीं किया है। ये मेरे हस्बैंड जी मुझे लाए थे लखनऊ से, गिफ्ट किए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस बेचारा दब के ख़राब हो गया है। और ये भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे गिफ्ट किया है, और ये मैंने मॉल से लिया था, किस मॉल से लिया था मुझे याद ही नहीं है, बट ये काफ़ी खूबसूरत है और यूनिक सा और स्टाइलिश है, मतलब आप किसी भी ड्रेस पे इसको वेयर कर सकते हो, साड़ी सूट वेस्टर्न किसी भी ड्रेस पे आप इसको यूज कर सकते हो। इसका कलर ना गाइस कितना खूबसूरत है, आपको मेरे पर्स में सबसे ज़्यादा कलर किस कौन से पर्स का अच्छा लगा, कौन सा पर्स आपको सबसे अच्छा लगा और स्टाइलिश लगा आप ज़रूर बताइएगा, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेरी शादी वाला पर्स एंड ये मुझे मोस्ट फेवरेट।
ये एक मेरे पास ना गाउन है, उस इंस्टा पेज पे मैंने वो उसका रील्स डाल रखा है। तो मैं ये नवरात्र के टाइम में मेरे हस्बैंड जी गए थे मंदिर और हम भी गए थे, तो एक स्टैचू डमी ऐसे पहन रखी थी वो ड्रेस, और उस ड्रेस को मैं अभी आपको मैं दिखा दे रही हूँ, शायद रील्स डाल दूँगी तो आपको देखने को मिल जाएगा, या इंस्टा पेज पे जाइएगा फॉलो करिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ बहुत खूबसूरत मुझे ड्रेस मिला इसी प्रिंट का, और ये ना मतलब उसी के उस ड्रेस के साथ मुझे ये पर्स मिला था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटू सा है। आपका फ़ोन ATM पर्स मतलब पैसे से आ सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा है, छोटू सा है, बहुत अच्छा है। तो ये मुझे एक ड्रेस के साथ मिला हुआ था, ये मैंने ऑफलाइन आपने मतलब पास वाले मार्केट से मैंने ये लिया था, और मैं और मेरे हस्बैंड जी साथ में गए हुए थे, तो उन्होंने बोला, मैं बोली वाव कितना अच्छा ड्रेस है, तो उन्होंने मुझे दिला दिया था, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था, इसीलिए मैं ले भी ली। और दिखाती हूँ ये पर्स, ये भी मतलब अच्छा है, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है, और इसका लेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लेस देख के मैंने लिया था, और ये लेस ना पर्स में कम, मेरे हेयर में ज़्यादा यूज़ आता है, और बहुत अच्छा लुक आता है, और ये भी बहुत अच्छा है, मैं यूज़ इसको काफ़ी कर चुकी हूँ। एंड आगे बिटू, एंड ये एक मेरा पर्स है, और लास्ट ये मेरी बड़ी वाली नंद ने मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू टू ऑल, ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।